हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो भी डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन यूज होंगी वो हम यूज करेंगे टू सॉल्व इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक, उसमें हमें सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी गिवन है, हमने उसको यूज करना है और सॉल्व करना है, जिस तरह की हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। और सब्स्टिट्यूशन हमें गिवन है कि यू को हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन को हमने रिप्लेस करना है यू के साथ। तो इसको इसका डेरिवेटिव लें यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसी तरह इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x। तो यूजुअली जब आप देखते हैं तो आप दोनों साइड पे dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास ये बन जाता है du इज इक्वल टू 2x dx। या फिर हमने क्या करना था, हमें सिर्फ dx की वैल्यू निकालनी है, तो dx को इस तरह से रहने दें और 2x को दूसरी साइड पर लें, That becomes, ठीक है। अब हमारे पास dx की वैल्यू भी है और हमारे पास u की वैल्यू भी है या x पर प्लस वन की वैल्यू भी है। तो यहाँ पे जो ये चीज है, इसकी जगह पे हम u पुट कर देंगे और इस dx की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, ये, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 2x u पावर 23 और dx की जगह पे हम लिख देंगे 1/2x du। तो ये देखिए, ये 2x इसके साथ कट जाता है, हमारे पास ये चीज बच जाती है जो कि यहाँ पे गिवन है। फिर हमारे पास एक रूल है, अगर आपके पास फंक्शन है उसकी पावर में कुछ है, या इसका रूल है x पावर n है, इसकी इंटीग्रेशन हम लिखते हैं x पावर n+1/(n+1)। ठीक है, इसके अगर हमने इंटीग्रेशन करनी हो तो इस फॉर्मूले से लिखते हैं। यहाँ पे चूंकि u है और विद रिस्पेक्ट टू u करना है, हम इसको लिख देंगे u 23 पावर 1, तो 24 बन जाएगा डिवाइड बाय 23 प्लस 1 24। तो इसी फार्मूले को यूज करते हुए हमने ये कैलकुलेशन की, और प्लस हम c लिख देते हैं। अब अगेन हम क्या कर देते हैं, u की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाली, वो यहाँ पर पुट कर दिया, ये कर दिया आंसर। ठीक है, पार्ट बी में देखें, उसमें आपको ये गिवन है और अगेन सब्स्टिट्यूशन गिवन है कि u इज इक्वल टू cos, हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, ठीक है, और dx को दूसरी साइड पे ले जाए, तो ये हमें चूंकि dx चाहिए तो इसको हम यहाँ से उठा के इधर ले आते हैं, तो -1/sin(x du = dx। अब इस dx की जगह पे हम लिख देते हैं -1/sin(x du, और इस cos की जगह पे हम लिख देते हैं u, तो ये बन जाएगा u³। ये साइन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -u³, और इसकी इंटीग्रेशन वही u पावर n इज पावर में 1 ऐड कर दें और उसी नंबर से डिवाइड कर दें, तो बन जाएगा u पावर 4/4। u की जगह इसकी दोबारा वैल्यू पुट कर दें, cos है, cos पावर 4 इज cos स्क्वायर cos पावर 4x। सेकंड में क्वेश्चन 2 में अगेन ये गिवन है, तो डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, 1/2√x, और इस तरफ और dx इस तरफ लेके जाएं, ये सारी चीजें इस तरफ लेके आएंगे, तो 2√x du = dx। इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख दें 2√x du, ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट इसके साथ कट जाएगा, साइन स्क्वायर रूट की जगह पे हमने क्या लिखा हुआ है, u, ये बन जाएगा साइन u, ये देखा साइन u, और ये जो 2 था ये बाहर आ गया। अब साइन की इंटीग्रेशन क्या है, -cos, ये -cos आ गया, वैल्यू दोबारा से यू की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, 2 में अगेन सब्स्टिट्यूशन है, तो du = 8x, और dx इस तरफ करिए कि जब इस तरफ 8x को इस तरफ लेके 7/8x du = dx। अब dx है
dx की वैल्यू हमारे पास है, इसकी जगह पे हम u पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा u स्क्वायर रूट, या ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। चलो फिलहाल अभी ये लिख देते हैं, dx की जगह पे 1 ओवर 8x du लिख देते हैं, ये x इसके साथ कट जाएगा और ये 3 टर्म्स हो तो 3 ओवर 8 बाहर आ गया। इसकी जगह पे स्क्वायर रूट है, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस टर्म्स हो जाएगा, स्क्वायर रूट u इज इक्वल टू u पावर 1 ओवर 2, क्योंकि ये 1 ओवर ये है, जब ऊपर जाएगा न्यूमिरेटर में तो या इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये माइनस हो जाता है। अगेन वही पावर रूल, पावर में 1 ऐड किया और उसी नंबर से डिवाइड कर दिया, यहां से आंसर क्या आएगा, हाफ, और नीचे भी आएगा आपका हाफ, यहां पे भी आएगा 1 ओवर 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहां पे जो 8 था ये 2 इसको काट देगा, तो इसीलिए हमारे पास यहां पे 4 आ जाता है। और अब इसमें u की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, ये सारे सब्स्टिट्यूशन आप लोगों ने ऐसे ही करनी है। इसको देखें, यहां पे u आ जाएगा, dx की जगह पे वैल्यू आ जाएगी, सिंपलीफाई को ओके, ये चीज बन जाएगी, ठीक है। और secant स्क्वायर u की इंटीग्रेशन क्या है, टेंजेंट, यहां पे ये है तो du इज इक्वल टू 4y dy, अब इन टर्म्स ऑफ y करना है तो dy हमारे पास आ जाएगा ये 1 ओवर 4y du, इसकी जगह पे हम लिख देंगे 1 ओवर 4y du, ये y इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर 4 है तो वो बाहर आ गया, इसकी जगह पे हमने u लिख दिया, तो u पावर 1 ओवर 2, इसकी सिंपल इंटीग्रेशन। इसको देखें, du इज इक्वल टू cos ऑफ पाई थीटा, और इन साइड के इंटीग्रेशन में क्या पाई, तो वो ये पाई cos पाई थीटा और यहाँ का d थीटा, हमें चूंकि सिर्फ d थीटा चाहिए हम इसको इधर ले आते हैं, पाई cos पाई थीटा du इज इक्वल टू d थीटा, इसकी जगह पे हम लिख देंगे 1 ओवर पाई cos पाई थीटा du, ये cos पाई इसके साथ कट जाएगा, ये 1 ओवर पाई हम इसको बाहर निकाल देते हैं, इसकी जगह पे हमने u लिख दिया, तो अब इसकी इंटीग्रेशन कर दे, आखिर में सिंप्लीफिकेशन कर दो, दोबारा से पुट कर दो, गेन ये du इज इक्वल टू 2x प्लस 7 dx, हमें सिर्फ dx चाहिए, 2x प्लस 7 du इज dx, अब इसकी जगह पे हम यहाँ पे u पुट कर देते हैं, dx की जगह पे हम लिख देंगे 1 ओवर 2x प्लस 7 du, तो ये इसके साथ कट जाता है, तो ये हमारे पास ये चीज, अब इसकी सिंपल इंटीग्रेशन है, अगेन cot गिवन है, du इज इक्वल टू cot की इंटीग्रेशन होती है माइनस cosecant x cot x, सॉरी इसकी होती है माइनस cosecant स्क्वायर x और ये dx, तो ये हमें सिर्फ dx चाहिए, तो जब इस तरफ आएगा माइनस cosecant स्क्वायर du, अब इसकी जगह पे हम पुट कर देते हैं माइनस cosecant स्क्वायर x du, तो cosecant cosecant के साथ कैंसिल, cot की जगह पे हम u लिख देते हैं और ये माइनस है वो बाहर आ गया, बाकी सिंपल इंटीग्रेशन है पावर रूल से। अगेन u इसकी जगह पे u आ गया, तो u पावर 9 आ गया, dt को हमने फाइंड करना है तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू u, इसको विद रिस्पेक्ट टू t, सो cos t dt हम इसको इस तरफ ले आते हैं, cos t du इज इक्वल टू dt, अब इसकी जगह पे हम लिख देते हैं 1 ओवर cos t du, ये cos t इसके साथ कैंसिल हो जाता है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म इंटीग्रेशन करें
रीसब्स्टिट्यूशन करें। अगेन ये गिवन है du is equals to, एक्चुअली हमने ऊपर भी किया कि ये इस तरह होता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस dx को हम उस तरफ लेके जाते हैं और 2 को इस तरफ ले आते हैं ताकि हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाए। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे u लिख देते हैं और इसकी जगह पे 1/2 du, तो यह आ जाता है 1/2 बाहर आ गया। cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन, री सब्स्टिट्यूशन। अगेन u स्क्वायर है तो du इज इक्वल टू 2x, dx हमें सिर्फ dx चाहिए, 1/2x du, इसकी जगह पे 1/2x du आ जाएगा, ठीक है। और secant स्क्वायर x इसकी जगह पे हम लिख देंगे u, तो बन जाएगा secant स्क्वायर u, और ये वाला x इसके साथ कैंसिल हो जाता है, 1/2 बाहर आ गया। आगे secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है, tan u सब्स्टिट्यूशन। du इज इक्वल टू dx, तो ये चेंज हो जाएगा du में, इसकी जगह पे हम लिख देंगे u, ठीक है। और अब हमें चूंकि x स्क्वायर चाहिए तो वो हम यहां से निकालेंगे, u माइनस 1 इज इक्वल टू x, दोनों का स्क्वायर लेना तो u माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो इस x की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, ये जो कि ये है, और इसकी जगह पे हम u लिख देते हैं तो u पावर 1/2। अब इसको ओपन कर दें, ये बन जाएगा u स्क्वायर माइनस 2u प्लस 1, इसके साथ u पावर 1/2 को मल्टीप्लाई कर दें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, तो ये चीज बन जाएगी। अब हर एक की अलग अलग से इंटीग्रेशन कर दें और रीसब्स्टिट्यूशन कर दें u की। Again, u is equal to sine, so du is equal to cos x dx. I'm matching the sort of dx chahiye, to 1/2 cos x du ho jayega. Iski jagah pe 1/2 cos x du, ye cos ke saath cancel. Sine ki jagah pe humne u likh diya, to ye cosecant square u ho jayega. Aur cosecant ki integration kya hai, minus cot resubstitution. This one du is equal to dx, ये बन जाएगा du, इसकी जगह पे हम लिख देंगे u, sin, simple और resubstitution. Again this, so du is equal to 5x power 4 dx, so dx is equal to 1/5x power 4 du, इसकी जगह पे लिखेंगे 1/5x power 4 du, तो ये इसके साथ कट जाएगा, इसकी जगह पे हम u लिख देंगे तो u स्क्वायर आ गया, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा u पावर माइनस 2, पावर रूल लगाएंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा u माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 1, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, फिर रीसब्स्टिट्यूशन कर दें। नेचुरल लॉग, सो du इज इक्वल टू 1/x dx, इसको इधर लिखेंगे तो x du इज इक्वल टू dx, इसकी जगह पे लिखेंगे क्या चीज, x du, ये x इसके साथ कैंसिल और इसकी जगह पे हम लिख देंगे u, तो ये बन जाते हैं नेचुरल लॉग ऑफ u, और इसमें रीसब्स्टिट्यूशन कर दें। u गिवन है u du इज इक्वल टू माइनस 5 dx, सो dx इज इक्वल टू माइनस 1/5 du, इसकी जगह पर लिख दिया 1/-5 du, और ये बनेगा e पावर u, ये माइनस 1/5 बाहर निकाल दिया, अब इसकी इंटीग्रेशन एज इट इज वही है, रीसब्स्टिट्यूशन कर दें। ये आखिरी दो क्वेश्चन, u इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 3,
du is equals to minus sine 3 theta और इसके इंसर्ट की इंटीग्रेशन क्या आएगी 3, तो ये बन जाएगा minus 3 और d theta, हमें सिर्फ theta चाहिए तो ये जाएगा minus 1 over 3 sin 3 du, इसकी जगह पर लिख देंगे 1 over minus 3 sin 3 t du, ये sin इसके साथ कट जाएगा minus 1 over 3, ये बाहर आ गया और इसकी जगह पर हमने u लिख दिया, natural log आ जाएगा, u is equals to this, so du is equals to e power x, dx हमें सिर्फ dx चाहिए तो 1 over, ये इधर आ जाएगा du, इसकी जगह पर हम लिख देंगे e power x du, इसके साथ कट जाएगा, इसकी जगह पर हम लिख देंगे u, तो अगेन नेचुरल लॉग बन गया। 11 में दिस du is equals to 3x square dx, हमें चूंकि सिर्फ dx चाहिए तो 1 over 3x square du, इसकी जगह पे 1 over 3x square du लिखेंगे तो ये स्क्वायर इसका साथ कट जाएगा, 1 over 3 बाहर आ गया और इसकी जगह पे ये चूंकि x power 6 को हम लिख सकते हैं x power 3 whole square, ये बन जाएगा u square 1 over 1 plus u square, और ये बाय फार्मूला किसके इक्वल होता है tan inverse of u के, तो ये बन जाएगा tan inverse of, यहाँ पे आएगा tan inverse of u, और अभी रीसब्स्टिट्यूशन कर दें तो u की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, du is equals to 1 over x dx, हमें चाहिए सिर्फ dx, तो ये x du आ जाएगा, इसकी जगह पे हम लिख देंगे x du, ये x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह पे हम लिख देंगे u, तो ये बन जाएगा, अब ये किसके इक्वल होगा sin इनवर्स ऑफ u के इक्वल होगा, sin इनवर्स ऑफ u के इक्वल होगा, sin इनवर्स ऑफ u की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें, then du is equals to 3dx, तो dx आ जाएगा 1 over 3du, अब हम क्या करते हैं कि dx की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1 over 3 du, 1 over 3 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा u square minus 1, और इस x की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाले तो ये 1 over 3 u आ जाएगा, इस x की जगह पे अगर हम लिखते हैं 1 over 3 u, तो इधर लिखने की बजाय ये 1 over 3 यहाँ इसका कट जाता है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और ये u में चला गया, ये secant inverse की इक्वल है, secant inverse of u के इक्वल है, अब रीसब्स्टिट्यूशन कर दें, इसी तरह 12 में ये दिया हुआ है, तो du is equals to 1 over 2 square root x dx, तो dx बन जाएगा 2 square root x du, इसके जगह पर हमने क्या 2 square root x du, ये स्क्वायर रूट इसके साथ कट जाएगा, 2 बाहर इधर आ गया, और उसके बाद हमारे पास है 1 plus x है, तो x को हम लिख सकते हैं ना x is equals to square root x का होल स्क्वायर, इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं u की, तो ये u स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे u स्क्वायर है, और ये किसकी इक्वल है tan इनवर्स ऑफ u के, u की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें तो रूट एन एक्स, तो सब्स्टिट्यूशन में मोस्टली रूल्स और इंटीग्रेशन के पार्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए, आई होप यू ये सारी क्लियर है, थैंक यू।